वीयर्स वेलकम बैक टू ब्रिलिंग साइल्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अनदर स्पीकिंग क्यू कार्ड डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग ये इंटरेस्टिंग सॉन्ग के बारे में है लेटेस्ट स्पीकिंग क्यू कार्ड है तो आइए उसको डिस्कस करते हैं व्हाट द सॉन्ग इज सॉन्ग कौन सा है वट स्टोरी द सॉन्ग टेल्स क्या स्टोरी बता है सॉन्ग वेदर द सॉन्ग पॉपुलर क्या सॉन्ग पॉपुलर है वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग आपको क्यों ये इंटरेस्टिंग लगता है सो लेट इस्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने इसको स्टार्ट करा है वेल से वेल म्यूजिक प्लेज क्रूशल रोल इन आवर लाइफ म्यूज़िक का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है बींग अ म्यूज़िक लवर एक म्यूजिक लवर होने के नाते आई लव लिस्ंग टू हिंदी पंजाबी एंड इंग्लिश सॉन्ग्स मेरे को हिंदी पंजाबी एंड इंग्लिश सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है बेइंग म्यूजिक लवर बेइंग म्यूज़िक लवर मतलब एक म्यूज़िक लवर होने के नाते सो so, अगर आप ऐसे बोलेंगे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा आगे आप बोल सकते हैं एज़ वई नो जैसा कि हम जानते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ फ्लडड वेद प्ल थेरा ऑफ सॉन्ग्स म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बाढ़ आ रखी है सॉन्ग्स की लाइक like, पॉप क्लासिकल यहाँ पर आप हिप हॉप जैज एट्सट्रा आप बोल सकते हैं एंड द मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर मीनिंगफुल और ज़्यादातर सॉन्ग्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ सॉन्ग आज मैं एक सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहा हूँ विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग जो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इट इज़ अ हिंदी सॉन्ग ये एक हिंदी सॉन्ग है द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ ऑल इज़ वेल सॉन्ग का नाम है ऑल इज़ वेल इट इज़ इट इज़ फ्रॉम द फेमस मूवी एक फेमस मूवी में से है एंड उसका नाम फिर आप बताएंगे थ्री इडियट्स द सॉन्ग गिव्स द मैसेज सॉन्ग जो है एक मैसेज दे रहा है वो क्या मैसेज दे रहा है दैट वट एवर यू आर एवर यू आर इन डिलीमा जब भी आप कभी डिलेमा में होते हैं कन्फ्यूजन में होते हैं डोंट पैनिक पैनिक मत रहे एंड टेक अ डीप ब्रेथ एक लंबी सांस लें एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो गाइज मेरे को ये uh, लगा कि ये ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है इंस्टेड ऑफ़ पंजाबी का कोई सॉन्ग बोलने के बजाय या हिंदी का कोई सॉन्ग बोलने के बजाय आप क्या है जो टाइटल इंग्लिश में रहता है आप उसको प्रेफर करेंगे आप उसके बारे में बोलेंगे ऑल दो सॉन्ग इज़ इन हिंदी बट उसका जो टाइटल है वो इंग्लिश में है एंड दैट uh, very helpful to boost your you know नो uh, speaking skill. so यहाँ पर मैंने बोला है कि जो uh, songs जो है वो message देता है कि जब भी हम कभी परेशानी में होते हैं तो हमें tension नहीं लेनी चाहिए हमें panic नहीं होना चाहिए take a deep breath लंबी सांस लेनी चाहिए and everything will be भी ऑल right. और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये hope करनी चाहिए so I vividly remember मेरे को एक क्लियरली याद है आ, कि आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट टाइम लिसन दिस सॉन्ग जब मैंने इसको पहली बार सुना था आई वॉज ऑन सेवेंथ हेवन मैं सातवें आसमान पे था तो यहाँ पे मैंने ईडियम यूज़ करा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन कनेक्टर यूज़ किया गया है ऑनेस्टली स्पीकिंग सर सर बताऊँ द सॉन्ग इज़ अ मिक्सचर ऑफ़ फन जॉय एंड होप ये जो सॉन्ग है ये मिक्सचर है फन का जॉय का और होप का टॉकिंग अबाउट इट्स पॉपुलैरिटी अगर मैं इसकी पॉपुलरिटी की बात करूँ द संग व रिलीज इन टू थाउजेंड नाइन ये जो सॉन्ग जो था वो रिलीज़ हुआ था टू थाउजेंड नाइन में यहाँ पर आप मूवी भी बोल सकते कि मूवी टू थाउजेंड नाइन में रिलीज हुई थी एंड फ्रॉम दैट टाइम इट हैज़ गेंड पॉपुलैरिटी एंड तब से लेके इसने पॉपुलरिटी गेन करी है इट हैज़ सूदिंग अफेक्ट ऑन माइंड ये जो सॉन्ग है इसका दिमाग के ऊपर बड़ा रिलैक्सिंग इफेक्ट रहता है I listen this song in uh, to inspire me मैं इसको सुनता हूँ song को अपने आप को inspire करने के लिए even youngsters youngsters like to play this song in parties क्योंकि ये फन uh, वाला सॉन्ग है जॉय वाला सॉन्ग है तो यंगस्टर्स यहाँ पर मैंने बताया है कि वो भी इसको प्ले करना पसंद करते हैं पार्टीज़ में मोर ओवर देयर इज़ नो वलगैटी इन दिस सॉन्ग इस सॉन्ग में कोई भी वलगैटी नहीं है कोई भी भद्दापन नहीं है एंड वी कैन लिसन इट वायर सिटिंग विद द फैमिली और फैमिली के साथ बैठ कर हम लोग इस सॉन्ग को सुन सकते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ अ वंडरफुल पीस ऑफ म्यूजिक ये एक बहुत अच्छा पीस ऑफ म्यूजिक है विथ फिफ्टी मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब तो इसके इतने मिलियन व्यूज़ आप आ, बढ़ा भी सकते हैं कि इतने मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब में यहाँ पर पॉपुलरिटी बता रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है तो यूट्यूब में इतने व्यूज़ हैं इसके तो इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है दैट शोज़ हाउ पॉपुलर इट इज़ राइट सो वेन एवर आई फील लो तो जब भी मैं कभी लो फील करता हूँ आई प्लग इन माई एयरफोन्स मैं अपने एयरफोन्स लगाता हूँ एंड प्ले दिस सॉन्ग सो so गाइज़ ये था आपका टॉपिक एंड uh, अगर आपको ये टॉपिक uh, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में